कच्ची पक्की सी सड़क से जुड़ा एक गांव। अरसे से चले आ रहे मिट्टी और खपरेल के वैसे ही छोटे छोटे मकान, गोबर से लिपे पुते घर आंगन, धूल और मिट्टी में लिपटी गलियां और उनमें हमेशा सी ढलती शाम। दिन निकलने के साथ ही शुरू हो जाती है हमेशा जैसी एक खामोश हलचल। यूं ही गुजरते जाते हैं दिन शाम और सवेरे के बीच, मगर रोज उगते डूबते सूरज, बदलते मौसमों, हवा और हरियाली, सूखे और बाढ़ के चक्र के बीच, धूल और मिट्टी से अटी इन गलियों में, इन कच्चे पक्के से मकानों में हवा के कुछ नए झोंके आए हैं। मध्य प्रदेश के बिलासपुर जिले के एक छोटे से कस्बे से 5-6 कोस दूर पहाड़ों की तलहटी में एक छोटा सा आदिवासी गांव छुरी खुर्द। ज्यादातर छोटे सीमांत किसान, साल में धान की एक फसल, मेहनत मजूरी और वन उपज पर निर्भर लोग। पीढ़ियों दर पीढ़ियों से जैसे तैसे गुजर बसर करते, लुटते पिटते लोग, बेजुबान से लोग। पर पिछले 1.5 साल से सदियों के अंधेरों पर चोट कर रही हैं उजाले की कुछ किरणें। पुराने परिवेश में नया इंसान ढल रहा है। मसाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। ले मसाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, कब तलकन पड़ रहेंगे लोग मेरे गांव के, कब तलकन पड़ रहेंगे लोग मेरे गांव के। ले मसाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, ले मसाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के। गांव के लगभग 125 निरक्षर स्त्री पुरुषों ने पढ़ना लिखना सीखने की शुरुआत अब से 1.5 वर्ष पहले की थी। कड़ी मेहनत से थके हारे ये लोग क्यों बैठते हैं रातों को 2 अक्षर सीखने? किन हालात के चलते पैदा हुई है साक्षर होने की यह ललक? अब भाई अड़ी अब वो दिन मैं स्कूल नहीं रही ना कुछ नहीं, तब वो दिन के माँ बाप मन लड़की लनी पढ़ान हाड़ी ला पढ़ावो कहीं तहाड़ी में पढ़े न करें। अब वो दिन मैं माँ बाप मन पढ़ाती जहाँ मुझे रहते गा। क्या नुकसान है बगैर पढ़े लिखे का? अब पढ़े लिखे में का नुकसान होत रही तो का कथे कुछ ला जानन नहीं, ज्यादा देना कहन कम हो जाए ता ज्यादा ले ले जाओ कुछ हो जाए तेकर खातिर पर जार बो ता कुछ ला जानदार बो ता हम ला हिसाब हो जाई कुछ जान हाट बाजार आउ गाड़ी मोटर चाघे जान ता ज्यादा देन पैसा यात का किराया है। हाँ दत के छे हाँ वत के ला ले ले ता सब ला ले ले ता वो ले बेन है। अब नहीं जानत रहें ता अब तो जान बो ता काबो की हमार पैसा ज्यादा जात है किसे में ज्यादा ले था कही के काहे ला ठौकाबो इसे कही के हम पढ़े ला लिखे ला सीखा था ना भी। साक्षरता ने एक तरह से रक्षा की है बाजार की लूट से, तो दूसरी ओर चंद अक्षरों के ज्ञान ने इन्हें असहायता और बेचारगी की स्थिति से उबारा है। अधिकार दबेल सिंह वलदा राम जी ग्राम डूंगर तराई। ये बताओ पढ़े लिखे कितने हो? पढ़े लिखे साहब नहीं हो इधर अभी पढ़ा था वहाँ। कहाँ पढ़ा तो? यहीं गाँव में पढ़ता हूँ। रात रात के अक्षर याद रखिया वहाँ पढ़े जाता हूँ तो कुछ लिखा मन पढ़ाते हैं मन पढ़े पढ़े हैं तो शाम के बताते हैं कोई कोई दिन। अरे जी बताओ इस उम्र पे तुम्हें पढ़ने ही क्या सूझी? 45 साल की उम्र जब इतने साल गुजर गए तो अब पढ़ने का जरूरत?
ते साहब पढ़ ले तो कुछ अपन लोग लिखा मतलब पढ़ा सब महू जानदार हूँ तो कुछ शिक्षित हो जाऊँ तैसे कही के। तो शिक्षित होने से क्या फायदा क्या है? अब फायदा कुछ बहुत फायदा है साहब, कोई जैसे फारिस घाट आ गए, अब वो कहा करते लकड़ी भी निकाला था जंगल से ला के, तो वो तंग करा थे तो ओकर से कहा था निस्तारी के लिए लावा था वन लकड़ी ला, तो कबर तंग करा था ऐसे के कथन नहीं तो पैसा लाओ ऐसे कहते, तो ओकर से फिर इतनी जानकारी होते तो पैसा नहीं देना चाहिए निस्तारी के लिए कथन, पटवारी उटवारी जिसे आ गए तो वो मन माने का पैसा वैसा मांगा थे, तो वो भी नहीं जाना तब तो पढ़ा कर एकदम जितका पैसा दे इतका दे के ये कही तब नहीं जान, वो पढ़ लिख के कुछ जानदार बना साहब तो वो मैं कुछ रोकथाम हो जाए। अब दबते नहीं हो? नहीं नहीं दबू, अब डर भी नहीं लगता इनसे? अब डर नहीं लगे ज्यादा, पहले डरात रहन। पहले काय डरात रहन? पहली एक तो जानबे नहीं करत रहे साहब, एक कोई आए तो ओती ओती भाग जान डर डर लागे, अब आप कुछ पढ़े लिखे में कुछ उससे बताओ जते तो ओमा कुछ डर है कुछ कम हो गए हवे। अब वैसे साहब पहली रहीस ना तो पहली के बात रही तो एकदम सबे डर आत रहे ना, अब कुछ कुछ बहुत नहीं डरा तो ओकर संग वैसे आथन जथन तो कुछ डर कुछ कम हो गए तो ओकर से बात भी कर सकते सन। लेकिन जो पढ़ाई लिखाई से डर कैसे कम होता? तो हथियार है साहब पढ़े लिखे वाला, पढ़ने लिखने का, इसी के जरिए से कोई भी यही तो अपन बोल भी सका था पढ़ लिख जा रहा वो, अब पढ़े नहीं लिखे रहा वो तो कहाँ से बोले सकबो, तो ये हथियार है कुड़ाली जैसे पढ़ लिख जा। एक ढाल मिल गई है उन लोगों को जिनको पीढ़ियों से हर तरह की दाब धौंस और शोषण का शिकार होना पड़ा है। हाट और बाजार में गांव के मजदूरों किसानों की लूट का सिलसिला लंबे अरसे से चला आया है। जब पहले पढ़ा लिखा नहीं रहता साहब तो कहना चाहिए बाजार में आते थे तो कुछ हिसाब किताब नहीं जानते थे तो ठग लेते थे। तो आप ठग लेते थे? नहीं नहीं हम नहीं ठग लेते थे, मतलब दुकानदार लोग। कैसे ठग लेते थे? हिसाब किताब को नहीं जानते थे पहले और अब जान लेते हैं तो ठगाव नहीं होता है। अब ठगाव कैसे? क्या आप सामान बेचने में ठगे जाते थे? दोनों में से मार खा जाते थे, मतलब पहले पहले यानी कि माल लाते थे तो उसमें भी कुछ ग्राम पैसा यानी कि होता रहा उसको यानी कि जोड़ नहीं पाते थे, अब बन जाता ही हिसाब। पहले उनको मतलब समझ लीजिए उतना नॉलेज नहीं था, कोई भी चीज लाते थे बिना तोले ले आते थे, 10 किलो को 8 किलो भी बन जाता था तो भी समझ जाते थे, आज वो लोग मतलब तोल के लाते हैं बराबर और वैसा नहीं है गड़बड़ काम। आप 9 किलो बना देंगे तो आपको नहीं देंगे, वो पहले से बहुत होशियार हो गए हैं। तो इससे तो आपकी आमदनी में फर्क पड़ा होगा? आमदनी अब बेईमानी करने वाले को तो पड़ेगा सर, और जो नहीं करेगा उसको क्या फर्क पड़ेगा। आम लोगों में शिक्षा और साक्षरता का प्रसार हुआ है, इससे जहां उनकी लूट खसोट में कमी आई है वहीं छोटे मोटे व्यापारियों को भी कुछ फायदा ही नजर आता है। वजन देखते हैं, भाव भी पूछते हैं कि भाई किस भाव से, वो ज़्यादा बता दिए ना उनको समझ में भाई इतने वजन का इतना पैसा कैसे होगा, तो उनको बताना पड़ता है समझाना पड़ता है कि भाई ये इतना वजन हुआ इस भाव का हुआ, तुम हिसाब लगा लो। अच्छा नाप तोल पे भी उनको भी जैसे अपना अपने अपना सामान भी वो बेचते हैं, लाख है या टमाटर भी बेच रहे हैं और सामान चीज़ें साग सब्जी वगैरह, तो वो भी हम भी खरीदते हैं उनसे तो वो भी देते हैं भाई कि इस भाव से इतना पैसा हुआ कह के, तो हमको भी देना पड़ता है उनको उतना ही पैसा। तो आपके जहन में जो फर्क आ रहा है लोगों में इसकी खास वजह क्या है? इसकी खास वजह यह है कि भाई लोगों में मतलब तालीम है इसकी वजह, तो भाई पढ़ाई लिखाई गांव में चल रही है, लोगों के अंदर जो है एजुकेशन आ रहा है, ये उसकी वजह यह है। इससे दोनों को तो फल की संतुष्टि मिल रही है कि लोग समझने भी लग गए कि भाई ये चीज़ एक तो अच्छे बुरे की पहचान उनमें आ रही है कि भाई ये अच्छी चीज़ है। जैसे अभी इन्होंने कहा कि भाई ये ख़राब हो जाएगी ये, तो हमने उनसे कहा भाई ख़राब हो जाएगा तो वापस कर देना, उनकी इत्मीनान हो गया कि भाई माल सही है चीज़ सही है, तब तो हम उसे दाम वो सही हमको दे पाएंगे, अगर गलत माल दे पाएंगे तो हमसे कब लगा लेंगे, फिर हम कब उनके सामने टिकेंगे। ज्ञान की असली परीक्षा तो रोज़मर्रा के व्यवहार में होती है, इसी से पता लगता है कि चंद अक्षरों के ज्ञान ने उनको कितना सक्षम बनाया है।
पर यह परीक्षा उन्हें बताती है कि वे कहां से कहां पहुंचे हैं, कैसे शुरुआत हुई थी इस अक्षर यात्रा की। सबसे पहले यहां अक्षर यात्रा अभियान समिति द्वारा एक तो कला जत्था आया था, जो रात को यहां पर वो कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया, बहुत ही सुंदर नाटक इकरारनामा। और उसको देख करके हमारे गांव के जितने निरक्षर थे और भी पंच थे, सब उसको देखने के लिए जुड़े थे। और उन्होंने देखा कि ये नाटक जो है तो वाकई में आज अपने जिंदगी में उतारने के लायक नाटक है। और इस प्रकार से अनपढ़ रहने पर हमें बहुत सारे मुश्किल जो है, मुसीबत जो है, तो सहना पड़ेगा। इसलिए सब के सब उनका माहौल बनाया गया अक्षर यात्रा का, जो क्योंकि पढ़ सकें उसका माहौल बनाया गया, दीवार लेखन किया गया, जनसंपर्क किया गया, जो नहीं पढ़े लिखे थे उनके पास जा जा करके, जो जिस स्थिति से गाना के माध्यम से, नाटक के माध्यम से, अक्षर के माध्यम से, जो जिस प्रकार से जुड़ना चाहा उसको उस प्रकार से जुड़ने का हमने प्रयास किया। अक्षर यात्रा अभियान कोई बाहर से थोपा हुआ कार्यक्रम नहीं, इसमें पढ़ना लिखना सीखने और सिखाने वाले दोनों ही समाज के प्रायः एक ही स्तर से आते हैं। भारत देश में अभी 80-85 करोड़ जनसंख्या है, सरकार जो है तो सबको नौकरी नहीं दे सकती, तो पढ़े लिखे में क्या है कि वो अपना साफ सफाई जान सकती है, अपने आने वाले जो भोगे हैं, पिछले जो माँ बाप लोग अज्ञान थे, वो लोग बिल्कुल निरक्षर थे, जो अंधेरों तले माने अपना जीवन व्यतीत किए हैं, उससे तो कम से कम बेहतर जिंदगी काट सकते हैं, जिंदगी चला सकते हैं। जब ये लोग पूरा पढ़ लिख जाएंगे, ये लोग पूरा साक्षर हो जाएंगे, तब इन लोगों को माने पता चलेगा कि सरकार जो है क्या क्या योजना खोल रखी है। जब योजना खोल रखी है तो उसको जाके लोग मांग करेंगे, अपने पंच को बोले, सरपंच को बोलेंगे, सरपंच जाके ब्लॉक ऑफिस में जाएगा या विधायक के पास जाएगा, तो उसके पास जाके लोग मांग करेंगे, तब कहीं जाके इन लोगों को माने मांग पूरा हो सकता है। अभी यहाँ कटघोरा में एडिशनल कलेक्टर साहब का कैंप लगा हुआ था एक ठो, तो हमारे गांव में जो अभी है लाइन नहीं थी, 6-7 महीने से ट्रांसफार्मर बिगड़ा हुआ था। जिस दिन कलेक्टर साहब का वहाँ दौरा था, उस दिन जाके मेरे गांव की महिलाओं, जितने भी यहाँ महिला समिति जो है, तो वहाँ जाके सीधा पेल दिए कलेक्टर साहब के पास। ये सब जागरूकता का नतीजा है, साक्षर का ही नतीजा है कि लोग पढ़ लिख गए तो आज हमारे महिलाएं जो है गांव को छोड़ करके कटघोरा तक पहुंच गए, और यहां तक कलेक्टर साहब के पास पहुंच गए और उनसे माने साक्षात बात की, आमने सामने बात की। खुले हावे गांव में मदरसा का भैया, खुले हावे गांव में मदरसा, पढ़े जाबो दीदीओ, पढ़े जाबो भैया गा, खुले हावे गांव में मदरसा, पढ़े जाबो दीदीओ, पढ़े जाबो भैया गा, खुले हावे गांव में मदरसा। जय अच्छा, जय अच्छा। पानी नहीं है हमन के गांव में, ठीक से बिजली लाइन नहीं है कोई तरफ, हावे कोई तरफ नहीं है, एकरे समस्या ला लेके जाबो कहा था न, तो कैसे कहा था तुमन तो बताओ। सब पानी जाबो ऐसे नहीं आई, हमर गांव ला देखे ला, हमर गांव ला कैसे नहीं सुधार ही, कैसे नहीं दे बिजली, कैसे नहीं दे पानी, बोला हम देखो नहीं दे ते दिन हम जूता के वाला जयमाला डाल। अपने आप को संगठित करके अधिकारों को हासिल करने के लिए आया यह जुझारूपन अनायास ही पैदा नहीं हुआ। नवसाक्षरों के लिए बने इस पाठ्यक्रम और इन पुस्तकों ने उनके जीवन में बदलाव पैदा किया। कुछ कागज में कोई दूसरे तरफ से आए तो दिन भर पकड़े पकड़े बैठे रहे, जब कर पढ़ने वाला नहीं मिले तो अपन के घर के काम काम पूरा बिगड़ जाए, काम काज है। जब बोला पढ़वाए आदमी खोजत खोजत
और थोड़ा से बात लिखाए रहे, जैसे कहीं जाना है बस उसने लिखाए रहे, ओला देखे बार खोजा थे आदमी ते बात ला रब समझ जाते पढ़ दारा थे इतके फर्क होते। मतलब अपन जब पढ़ लिख के कुछ कुछ समझ ही तपन के आने वाला जो पीढ़ी अपन के बच्चा है ओला सही तरीका से पढ़ा सकें। जैसे कि अभी छोटे छोटे बच्चा मतलब टीका लगवाना है का के टीका लगवाबो, पहले रही था कोई टीका उका नहीं लगवाए बच्चा मन इसने बीमार रह जाए और कोई मतलब है नहीं समझे मन टीका उका के तेला आप समझा थे। और पहले तीन थी चार थी ले ज्यादा ज्यादा बच्चा पैदा कर दा रहे वो मन भगवान के देन समझ के ओला समझने के कम करी बच्चा ला। और अगर बच्चा कम रही तो परिवार सुखी रही ठीक से पढ़ा लिखा सकबो। दिन भर की मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालने वाले न जाने कितने लोगों को शिक्षक बना दिया है अक्षर यात्रा अभियान ने। बदलते जीवन को ये बड़े नजदीक से देख रहे हैं। पहले रही तो माँ बाप मन नहीं पढ़ाई और का कहते हैं अभी अक्षर यात्रा खुले है हमला समिति हर मतलब कापी पुस्तक स्लेट बत्ती सब दिया थे सुविधा भी दिया थे तो मतलब ये सब कुछ अच्छा नकदी ज्ञान आ गए है घर घर में पढ़ाने वाला अपन गाँव के दीदी बहनी भाई भाभी सब मल्ला चुन दे है तो हमन इकट्ठा होके पढ़ी लिखी और पढ़े लिखे में मतलब सेठ साहूकार कर सामान खरीदा थन तो 10 रुपये के लिए 8 रुपये के लिए थन तो 1.5 रुपये फिर दीस तो ठीक है छे ये सब माने ये सब ला सोची तो नहीं पढ़ जाबो तो 1-2 पैसा के हिसाब ला हम मन जान देबो तो लुटाबो नहीं कह के सब पढ़ते साथ जो दीवाल दीवाल में अक्षर यात्रा के अभी निशाना लिखे है वो सब ला पढ़ ले थी साहब। अब पाई लिखा है लाल लाल का लिख दारी रे बोर्ड पर कोई आए और कुछ लिखे ये का फूल बने दारी की का हमारे लिपे पोते भिठिया खराब कर दें ठीक ले लिख दें इसे कहें। और अब है तो दीवाल दीवाल में लिखे तेला पढ़ ले थे कि नहीं ये अक्षर यात्रा पढ़ाई माँ बहन सब पढ़ो ऐसे कि क्या अपन मन खुद पढ़ ले थे साहब। तुम तो 3-4 दर्जा पढ़ी हो ना। हाँ, पांचवी। अरे तो अब यहाँ पे तुम पढ़ा रही हो। हाँ, है ना। हाँ, तो क्यों पढ़ा रही हो इससे क्या फायदा तुम्हें? फायदा ए हिसाब कि माँ बहन मन कुछ अक्षर प्राप्त कर ली ही जान ली ही तो मतलब आगे गुजरे हुए जमाना आही उसने मतलब नाम ली और कि हमन उर्मिला हर हमला ज्ञान दीस और उर्मिला हर सबे अक्षर ला सिखाईस हम ओखरे लंगा एक विद्या ला पाएन ऐसे की के नाम ले ही हो। तो नाम लेंगे लेकिन तुम्हें क्या मिलता है इससे? एक तो नाम बहुत बड़े होते साहब नाम भी मिल गया और ऊपर से पुण्य जब हम यहाँ से चल बसेंगे उस दिन भगवान हमको ज्ञान का माने भंडार में ले जाएंगे पुण्य हो। कम उम्र में शादी सेहत की है बर्बादी ये जो है हो जाता है। की महिलाओं का संगठन जागो बहिना समिति
अपने बेहद सीमित साधनों के बावजूद सामाजिक कुरीतियों और निरक्षरता के विरुद्ध एक बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। अक्षर यात्रा अभियान नए जीवन की यात्रा है। किसी समाज के जीवन में 18-20 महीने का समय बड़ा नहीं होता, लेकिन उसके परिणाम अभी से सामने आने लगे हैं। 1.5-2 साल का समय काफी अधिक नहीं होता है लोगों के जीवन में कोई अंतर लाने के लिए। बिल्कुल सही कहा, ये जो कार्यक्रम है साक्षरता कार्यक्रम है, ये कुल मिला के 1.5 साल ही चलता है। उसमें 1 साल तक हम लोग कक्षाएं लगाते हैं और 6 महीना वातावरण निर्माण करते हैं। तो मेरा जो इसमें अभिमत है वो यही है कि हम जनता में एक अवेयरनेस बढ़ाए हैं। जनता आज की स्थिति में सचेत हुआ है, उसको मालूम पड़ गया है कि उनके अधिकार क्या है, सरकार ने उनके लिए क्या क्या योजना बनाया है। किताब पढ़ने के बाद और हमारे अक्षर सैनिक जो मोर्चे के रूप में युद्ध स्तर पर जाके गांव में काम किए हैं, इससे आज ये स्थिति आ गया है कि वही व्यक्ति जो कल आपके सामने, हमारे सामने या कोई पढ़ा लिखा इंसान के सामने खड़े होकर बात करने के लिए घबराता था, आज वो बड़े स्पष्ट रूप से अपनी बात हमारे सामने रख सकता है। हमारे पास आके वो अपने मांग कह सकता है। ये खाली पुरुष वर्ग के लिए ही नहीं है, महिला भी सैकड़ों संख्या में आज आके ऑफिस में सरकारी अधिकारियों से, जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनसे इस तरह से बात कर रहे हैं जो कि 2 साल पहले सोचा नहीं जा सकता था। अक्षर यात्रा अभियान से जुड़े लोगों ने क्या लक्ष्य निर्धारित किए थे? हमारा जो कैंपेन है वो उनको तीनों किताब पढ़ाने का कैंपेन नहीं है। हम ऐसा हमारा ये कतई उद्देश्य नहीं है कि हम उनको तीनों भाग पढ़ा दें और वो नाम लिखना सीख लें, बैंक में खाता खोलना सीख लें, थोड़ा बहुत गुना भाग करना सीख लें, ऐसा हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि साक्षरता के माध्यम से उनमें एक जागरूकता पैदा हो। जागरूकता इन द सेंस वो सारे लोग यूनाइट हों। गाँव में आज आप जाएंगे तो देखेंगे कि जहाँ 7 बजे शाम में सारे लोग सो जाया करते थे, वहाँ 10 बजे रात में माँ से मकान और पढ़ने लिखने की आवाज़ आती है। लोग इकट्ठा बैठ रहे हैं, किसी विषय पे बात कर रहे हैं, लोगों में एक यूनिटी आ रही है, एक एकता आप गांव में पाएंगे। आपस में लोग बैठ के चर्चा करते हैं, या सीधे तौर पे ये कह सकते हैं कि एक सूत्र में पिरोया है हमने बहुत सारे लोगों को, पूरे क्षेत्र के लोगों को, और ये भी बहुत बड़ा परिवर्तन है। लोगों को साक्षर बनाने का अभियान जीवन से कटे निर्जीव अक्षरों, शब्दों या वाक्यों की यात्रा नहीं, यह एक नई दृष्टि की, आत्मविश्वास और अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता पैदा करने की यात्रा है। जैसे आप पंच बनी है ना, तो पंच के तो बहुत सारे अधिकार होते हैं, काम होते हैं ना, तो इस पढ़ाई लिखाई से उस काम में भी कुछ आपको मदद मिलती है? मिलते क्या? अब काम मका कछु काम नहीं आ है तो काम मददकार मिली कुछ अतिले आदेश देथन कछु तो फिर भी नहीं करे हैं, लिख लिख के प्रस्तावक डाला थन अब कुछ वो काम चीत के हमार रत्ता मिल भी नहीं करे। अब ओतिले आदेश आई था तो वही थी का मन झींक लेता, तुम झींक था बाबा धन को जानी आओ तुम ले आओ बड़े हैं ते मन खींच लेते। ग्रामीण विकास के लिए आवंटित धन के उपयोग दुरुपयोग पर यह प्रतिक्रिया एक नव साक्षर सजग जन प्रतिनिधि के आक्रोश को व्यक्त करती है। जब देखा महिला सरपंच पंचायत चुनाई यहाँ ला अधिकार मिले की के महिला सरपंच पे पंचायत ला ता महिला ये विरोधी वोट है, इसे कहीं 151,000 रुपया यहाँ पर सेक्शन हुई तुम्हारा ले इनाम, अब वो कहाँ गई तो कर पता नहीं हमला। कैसे सुधरे जीवन के हालात, कैसे हो गांव की तरक्की? जब मैं तरक्की मिली जबकि पेड़ लिख दार ही होशियार हो जाही है, अब उसका दिन ले तो आढ़ी काढ़ी पड़े रही है, अब उसने हो जाही तो अब पार जानकार हो ही तब तो लड़े ला शुरू करी के दही अपन हक के खातिर। जमाने से घर कर गई सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ मजबूत आवाज ही नहीं असरदार कदम भी उठाए हैं। हमने सुना यहाँ पे आपके गांव में शराब बहुत पीते हैं लोग, आप लोग क्या कर रहे हैं? नहीं कोई जरूरत नहीं, अब जे दिन ले अक्षर यात्रा आ है ये जागो बहनी समेति 500 रुपया जुर्माना है हमारे गांव में सख्त मन मंदारू, यही अपन हिसाब कोरट करके रखे हैं। जे दिन ले हमें पंच सरपंच अढ़ी ला ज्वाइन दिन तयात के दाब चले के अपन गाँव ला रखे हैं, सब छोड़ दही।
अरे कोई पराए पराए कभो अपन निया में पी ले अथोही तो कोई लंगले बीस के पी के खे के सूता थोही वाला हमला पता नहीं है। अगर पता पा जाबो पियोला हाँ तो तुरंत हम 500 रुपया थाना ठन गनाबो। जीवन भर घर के खूंटे से बंधी, दिन भर घर और बाहर के कामों में खटती महिलाओं में नए जीवन की ललक पैदा की है इस अक्षर यात्रा ने। अरे कभी सपना देखती हो? मैं सपना उपना नहीं देखा। क्यों? सपना देखे से क्या फायदा है? जीवन की कठोर धरती आम लोगों को सपने देखने की इजाजत नहीं देती, उनकी उपलब्धियां ही रास्ते खोलती हैं उनके लिए। तो हम निर्धन खो जात हन हर बात में। अभी जिसे कि तुम्हें ना है तुम इस ऐसे वैसे होगी साहब 5 में 15 हो गए ऐसे करके हम बात कर सकत हन, पहले हम बात नहीं कर सकन। उतका हमारी हिम्मत हो गई, अगर हम तीसरा भाग ला दिया ऊपर दार बो तो हम खुद हमारे हाथ पैर में हम खड़ा हो जाबो। ये अक्षर अभियान में